नींद हराम करके रख दी यार। तो वेलकम करते हैं आपके अनदर व्लॉग के ऊपर। मोटरसाइकिल भी गंदी हुई पड़ी है यार, बाहर जाने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, आज वतन की मोहब्बत को दर्दमाना पड़ेगा। तो 14 अगस्त के हवाले से आज बाहर जाते हैं, आपको दिखाते हैं डेरा गाजी खान की क्या सूरत हाल है। तो यार वार्मली आपको वेलकम करते हैं, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब वगैरह लाजमी कर दें। आप देखें ग्रुप में मज़ा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, अपने कपड़े प्रेस करते हैं फिर जाते हैं। मोटरसाइकिल खटा रहे पे, अब क्या करें, लेनी तो पड़ेगी। फाइनली कपड़े हमारे प्रेस हो गए हैं, मामा ने कपड़े से कर दिए हैं। ये देखें आज पाकिस्तान की आज़ादी है, इसलिए सफ़ेद कलर के सूट पहन रहा हूँ। आपको तैयारी करता हूँ, नहा रहा हूँ मैं, तो बाकी आगे का माहौल आपको दिखाते हैं, चलते हैं। जी परफ्यूम वगैरह और कंघी संघी लगा ली है। आप खटारा को खींचते आज़ादी के मजे लेते हैं। माशाल्लाह से बाजार की रौनक देखें। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मंदिर देखे, 14 अगस्त के हवाले से बाजार को सजाया गया, कितना खूबसूरत अंदाज, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें पाकिस्तान का परचम, सब हिलाली परचम लहरा रहा है, बच्चों के कपड़े मौजूद हैं, बैंडेजेस वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो अपने लिए कुछ लेने आए हैं यार, ये बाजा शाजा कितने का है? भाई 350 का दे रहे हैं, कोई रियायत वगैरह? मैं खुद बना रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लो कर दें। यार वो ग्रीन कलर के रुमाल पड़ा है, एक जैसा एक जैसा एक भाई ये देखे कैसा लग रहा है, ये महंगा है तो रख दो, भला करो, ये महंगा दे रहा है। भाई जान पीटीआई का फ्लैग है, नून लीग वाला, नून लीग का ना भाई, हमने नून लीग का रखा, वो बेचेगा नहीं आपके पास, देखना कौन हम नून लीग ही बेचे। अच्छा जो भी बेचे हैं, हमें पीटीआई के चाहिए जितने का, दो सर वही तो है नहीं ना। हाँ अच्छा अच्छा, देखो आप देख सकते हैं पीटीए के झंडे फ्लैग सब शार्ट हो चुके हैं इस टाइम बाजार में, पूरी बाजार घूम के हैं, भाई के पास भी आए हैं, इसके पास भी नहीं है। अब आपके सामने है पीटीए के झंडे, पूरी मार्केट में नहीं मिल रहे, पूरी मार्केट देखी है, छान मारा है, कोई झंडा नजर नहीं आया। पुलिस के डर से लोगों ने रखने छोड़ दिए हैं, जो पड़े लेकिन उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। हमारा नारा पीटीए की तरफ है, दिल दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आता नहीं है सॉन्ग, मैं यार सीख रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करें। अगर ऐसे होता रहा अगली आज़ादी तक मैं इंशाल्लाह सीख जाऊँगा, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। आगे भाई पास है, मैं आपको माहौल दिखाने वाला हूँ आज़ादी का, कितना जोश व खरोश से आवाम निकली हुई है धूप में, दोपहर के यानी 2 का टाइम होगा, आवाम निकली हुई है, देखो आवाम का जज्बा जोश व खरोश देखें। और आपको मुनाश भी दिखाता हूँ कितना रश है, पुलिस के डाले वगैरह, सिक्योरिटी सख्त है। ये हम पहुँच चुके हैं, ये देखें बाईपास चौक, सामने जहाज़ बना हुआ है, आपके सामने देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरत खूबसूरत मिली लग में बने हुए थे, ये देखें इसका व्यू चेक करें।
आवाम ठहरी है, आहिस्ता आहिस्ता से आवाम आ भी रही है, कुछ आवाम ठहरी है, कुछ आने वाली है, कुछ जा रहे हैं। आगे पुलिस की सिक्योरिटी भी सख्त है। हम उस जगह के अंदर दाखिल हो चुके हैं, देखिए बच्चे बूढ़े सब नौजवान वगैरह आज़ादी के दिन को इंजॉय कर रहे हैं, हर कोई मसरूफ़ है। आहिस्ता आहिस्ता से रश बढ़ता जा रहा है। अभी आपको आगे चंद बंदे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके नीचे आगे काफ़ी बहुत सारे बंदे ठहरे थे। मौसम भी बेहतरीन था, गर्मी कम थी, पहले से ज़्यादा गर्मी कम थी। आज़ादी के दिन को बस जोश व खरोश से इंजॉय कर रहे हैं और सब बातें छोड़ें, ये व्यू चेक करें रात का और बाकी तमाम बातें छोड़ दें। व्यू तो देखें, घर वगैरह सब चीज़ सजी हुई है, दरख्तों को देखें, हरियाली देखें। 14 अगस्त के हवाले से ये तकरीबात वगैरह शुरू की गई हैं, ये देखें। बाकी आगे जितना चलते जाए सब हर चीज़ सजा हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अब आने वाला है आखिर में आपको मज़ा, तस्वीरें चेक करें, व्यू चेक करें आप इनका। दारुल हुकूमत लगा हुआ है, बादशाही मस्जिद लगी हुई है और आगे काफ़ी सारे मोनूमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो जो मशहूर 1947 के हवाले से जो जो भी मशहूर मकाम थे उनकी भी पिक्स इधर लगाई गई है। हमारे यहाँ जर्नल वगैरह की फ़ोटो लगाई गई है। डीजी खान जेम खाना में ये तकरीबात का आगाज़ किया गया है। देखिए मिली लगवे भी लगे हुए हैं, अंदर शानदार आतिशबाजी का शाम को मुजाहरा भी होने वाला है, उसको भी इंजॉय करेंगे। आगे घोड़े चौक के घोड़ों का व्यू चेक करें। सिर्फ डीजी खान का जिम खाना ही नहीं, बल्कि डीजी खान के सब को रोड को ऐसे ही सजाया गया है। लाइटों को आप देख रहे हैं कैसे सीज रही है। आगे पूरा रोड जा रहा है और शायकीन की तादाद काफ़ी हाथ में मौजूद है। रश वगैरह भी आप चेक करें, ये ज़मीन बनी हुई है, ज़मीन का ग्लोब आप चेक करें। आगे भी आपको व्यू दिखाते हैं, कैसा खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। इधर प्रोजेक्टर लगा हुआ था तो और शायकीन मज़े ले रहे थे, मिली लग में सुन रहे थे पाकिस्तान के, और फौजों को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। खूबसूरत अंदाज में इस तकरीब को संवारा गया, बहुत ही मज़ा आया। शायकीन की तादाद आप देख सकते हैं कितने और काफ़ी हद तक मौजूद है।